दर्शन करवाने वाले हैं दी हार्ट ऑफ बिहार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर महावीर मंदिर पटना। इस मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं का मन का मनोकामनाएं पूरी होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं दी हार्ट ऑफ बिहार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महावीर मंदिर पटना का। तो चलिए हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं गाइस। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं पटना जंक्शन पर, और पटना जंक्शन के ठीक सामने में राजधानी पटना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महावीर मंदिर पटना, जो कि देख सकते हैं गाइस मेरे पीछे राजधानी पटना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महावीर मंदिर पटना। ये देश के सर्वश्रेष्ठ मंदिर में से एक है। गाइस, तो देश का यही एकमात्र मंदिर है जिसमें कि हनुमान जी का दो विग्रह है, जैसे कि एक है मनोकामना पूर्ण और दूसरा है दुखहरण। गाइस, तो एक साथ हनुमान जी का दो विग्रह इसी मंदिर में, देश का इकलौता ये मंदिर है। गाइस, तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस, तो मंदिर के अंदर जाने के लिए दो गेटे हैं, एक प्रवेश द्वार, दो की देख सकते हैं गाइस, प्रवेश द्वार इस साइड है और निकास द्वार इस साइड है। और सबसे पहले आप लोगों को चप्पल जूता रखने के लिए यहाँ पे काउंटर बना हुआ है। मंदिर के अंदर जाने से पहले आप लोगों को इसी काउंटर पे अपना शूज वगैरह रखना पड़ेगा, और साइड में है पैर हाथ धोने के लिए नल का सुविधा है। सकते हैं पहले अपना जो चप्पल जूता है वो खोलते हैं, फिर पैर हाथ अच्छे से धो के फिर मंदिर के अंदर चलेंगे और आप लोगों को पूरा दर्शन करवाएंगे। वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे चप्पल का काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आप लोग अपना शूज वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि पुरुष और महिला के लिए शूज रखने के लिए अलग अलग दोनों का काउंटर बना हुआ है। और काउंटर पर अगर आप शूज रखते हैं तो एक टोकन मिलेगा इस तरह का कुछ, जिसे आप लोगों को संभाल के रखना पड़ेगा। और इस जगह पर आप लोगों को पेयजल का भी सुविधा है गाइस, वहाँ पर देख सकते हैं पेयजल का सुविधा और साइड में नल का सुविधा है, जहाँ पे आप लोग पैर हाथ धो के फिर मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो चलते हैं और पैर हाथ धोने के बाद मंदिर के अंदर। गाइस, तो अब बात करते हैं महावीर मंदिर का प्रसाद का। महावीर मंदिर का प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध प्रसाद है गाइस, नैवेद्यम लड्डू यहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रसादों में से एक है गाइस। देखिए तो इस तरह का कुछ यहाँ पे मंदिर के सामने में आप लोगों को बहुत सारा काउंटर मिल जाएगा, जिस जगह से आप लोग प्रसादी ले के फिर मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कुछ प्रसादी के बारे में बता दीजिए। तिरुपति लड्डू नैवेद्य प्रसाद है, शुद्ध गाय का घी का बना हुआ, ये शुद्ध घी वाला लड्डू है। घी वाला कैसे देते हैं? एक किलो 300 रुपया, कम से कम 75 रुपया, 250। इस जगह का सबसे प्रसिद्ध ये प्रसादी है, तो हम भी प्रसादी लेने के बाद मंदिर के अंदर चलेंगे और आप लोगों को महावीर मंदिर का दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं प्रसादी का प्राइस लिस्ट है, और यहाँ पे आप लोगों को प्रसादी का पे करना पड़ेगा और साइड में आप लोगों को प्रसादी मिलेगा। गाइस, यहाँ पे टिकट देने के बाद आप लोगों को प्रसादी मिल जाएगा। यहाँ पे जो लिस्ट देखने के बाद फाइनली मुझे प्रसादी मिल गया है, और यह है महावीर मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद। तो अभी हम आ चुके महावीर मंदिर का मेन गेट के पास, और गेट पे देख सकते हैं मशीन लगा हुआ है जिसके माध्यम से आप लोगों को चेक होने के बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से कुछ मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और फिर आप लोगों को पूरा महावीर मंदिर का टूर करवाएंगे। पूरा महावीर मंदिर के देख सकते हैं साइड में है लाइन लगने के लिए। तो फाइनली गाइस महावीर मंदिर के अंदर आ चुके हैं। आप लोगों को इस वीडियो में पूरा महावीर मंदिर को एक एक जगह को एक्सप्लोर करेंगे, और आप लोगों को सबसे पहले महावीर मंदिर का दर्शन करवाएंगे, फिर पूरा मंदिर को आप लोगों को घुमाने वाले। गाइस, तो यहाँ पे जो है पुरुष और महिला के लिए लाइन लगने के लिए दोनों साइड से बनाया गया है, जो कि देख सकते हैं गाइस काफ़ी लंबा लाइन है। मुझे भी अभी लाइन में लगना पड़ेगा। सबसे पहले लाइन में लगने के बाद चलेंगे महावीर जी का दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को महावीर जी का दर्शन करवाएंगे, फिर आप लोगों को इस जगह के बारे में ऐतिहासिक बातें भी बताएंगे, और फिर पूरा मंदिर भी आप लोगों को घुमाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं महावीर जी का दर्शन करने।
गाइस तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हनुमान चालीसा का बुक है, और इस हनुमान चालीसा का बुक को लेके आप लोग यहाँ पे शांति से बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफी अंकल लोग यहाँ पे अभी बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। दोनों साइड काफी लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ते हैं। आप लोग भी आगे आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे चंदन के लिए स्पेशल देख सकते हैं, इस तरह का कुछ बना हुआ है जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ चंदन मिलेगा। आप लोग चंदन ले सकते हैं, साइड में मिरर है, उस जगह पे जाके आप लोग आसानी से चंदन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है आरती लेने के लिए साइड में अच्छा सा बनाया गया है। अब चलते हैं इस मंदिर के ऊपर, और मंदिर के ऊपर और भी काफी अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा स्थापित है, तो चलते हैं ऊपर और फिर हम आप लोगों को सब कुछ का दर्शन करवाएंगे। सो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहिए। गाइस तो महावीर मंदिर का दर्शन करने के बाद अगर आप लोग मंदिर के पीछे आते हैं तो मंदिर के पीछे आप लोगों को यहाँ पे एक गुफा टाइप का बना हुआ मिल जाएगा। इस गुफा में भगवान शनिदेव स्थापित है। जी हाँ गाइस, इस गुफा में भगवान शनिदेव का प्रतिमा स्थापित है। देख सकते हैं इस गुफा को देखने में काफ़ी अद्भुत आप लोगों को लगता होगा। इस गुफा में भगवान शनिदेव का प्रतिमा है और साइड में और भी काफ़ी अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा स्थापित है, तो उसको दिखाते हैं हम आप लोगों को बैक में। और गाइज फाइनली अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, और ऊपर आते ही आप लोगों को गाइज दिखा रहे हैं यहाँ पे जो है एक सूचना लिखा हुआ है जिसमें कि हनुमान जी पे चढ़ाया हुआ नैवेद्य प्रसाद जो है वो किसी और भगवानों पे अर्पित ना करें। इस तरह के यहाँ पे कुछ सूचना है, आप लोग भी इसे ध्यान दे दीजिएगा। और साइड में काफ़ी अन्य देवी देवताओं का स्थान है, तो एक एक करके सभी देवी का दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये विराट रामायण मंदिर का एक गोल्ड कलर में नमूना बनाया गया है, जो कि हनुमान मंदिर के द्वारा ही विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। उसका एक यहाँ पे गाइस नमूना है जो कि गोल्ड कलर में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि एक विराट रामायण मंदिर का एक नमूना है गाइस, पूरा एक नमूना तरह यहाँ पे बना हुआ है। इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है या तो शुरू हो चुका होगा। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, अपना इच्छा अनुसार अपना कुछ दान भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे दान कर चुके हैं, और आप लोग भी अगर आते हैं तो अपना इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, जो कि मंदिर का निर्माण जो है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए। गाइस तो अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं यहाँ पे भोलेनाथ का एक शिवलिंग स्थापित है, जिसके अंदर भोलेनाथ भी है और भोलेनाथ का शिवलिंग भी स्थापित है। इसके अंदर अभी रुद्र अभिषेक हो रहा है। इसका कुछ चार्ज है जो कि आप लोग जहाँ पे रसीद करता वहाँ पे इसका कुछ चार्ज वगैरह है, वहाँ पे आप लोग चार्ज पे करके आप लोग भी रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि वर्तमान में ये महावीर मंदिर 10,000 वर्ग फीट में फैला हुआ, और रेलवे यानी पटना रेलवे स्टेशन के एकदम सामने में, इसके वजह से इस मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत ही धार्मिक स्थान है। देख सकते हैं क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखने में ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गाइस अभी हम महावीर मंदिर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं, और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी कीर्तन हो रहा है, और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जो है शादी का देखा सुनी भी होता है, यानी कि शादी का जो स्टार्टिंग का काम है वो देखा सुनी उसका भी मिनिमम कॉस्ट है, वो भी आप लोग रसीद कटवा के यहाँ पे जो है देखा सुनी कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस जगह से पटना का सबसे खूबसूरत व्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सामने में है देख सकते हैं पटना जंक्शन, सॉरी पटना, और इधर है पटना जंक्शन। गाइस तो देख सकते हैं सबसे ऊपर आप लोगों को आने के बाद पटना का वो खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को पटना के किसी भी जगह से नहीं मिलने वाला है। और नाइट का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हवन करने के लिए बनाया हुआ है। सच में
में आप लोगों को पटना का बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा, जिसका आप लोग कभी यकीन नहीं कर सकते। देख सकते हैं पटना जंक्शन जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ऊपर से देख सकते हैं महावीर मंदिर का लाइटिंग भी बहुत ही खूबसूरत किया गया है। बहुत ही अच्छा व्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। शायद ही आप लोगों को ये बात पता होगा, बैलगाड़ी का चंदा से इस महावीर मंदिर को भव्य बनाया गया। जी हाँ गाइस, ये बात सत्य है कि इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए एक एक ईंट को जो है वो चंदा किया गया था। जी हाँ गाइस, बैलगाड़ी से एक एक ईंट को चंदा लेकर इस महावीर मंदिर को भव्य बनाया गया। 300 से लेकर 400 साल पुराना ये महावीर मंदिर आज की डेट में जो भव्य देखने में आप लोगों को लगता होगा, इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम किया गया, जो कि एक एक ईंट को चंदा करके बैलगाड़ी से, सुनने में आया है और मुझे आसपास से पता चला है कि बैलगाड़ी से चंदा करके इस महावीर मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं का मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी वजह से इस मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। इस मंदिर में अगर आप लोग कुछ दिन पहले आते तो यहाँ पे जो राम सेतु का एक 15 kg का पत्थर था, एक शीशा का बॉक्स बनाया था जिसमें कि 15 kg का राम सेतु का पत्थर रखा हुआ था। लेकिन अब के डेट में अगर आप आते हैं तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। राम सेतु पत्थर को जो है अयोध्या भेज दिया गया। गाइस तो पूरा आप लोगों को महावीर मंदिर का दर्शन करवा दें। वीडियो को गाइस यहीं पर एंड करता है। होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग। अभी के लिए बाय। अगर आप लोगों को महावीर मंदिर का दर्शन करके अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अभी के लिए मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं